कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम प्लस का निशान लगाएंगे और इन्हें आप जमा करेंगे। तो सबसे पहले हम 1th वाले डिजिट्स को जमा करते हैं, उसके बाद 10th वाले डिजिट्स को और उसके बाद 100th वाले डिजिट्स को। तो 1s पे क्या है, 3 और 1। 3 और 1 को जमा करने के लिए हम 3 की जगह पे लगाएंगे 3 लाइंस, 1 2 3, और 1 की जगह पर आ जाएगी 1 लाइन। वो 1 लाइन हम यहां पर लगाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि 3 लाइंस और 1 लाइन मिलकर टोटल कितनी लाइंस है। 1 2 3 4, ये 4 लाइंस है, यानी 3 प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ लिख देते हैं, हमने 1 वाले डिजिट्स को जमा कर लिया। अब 9 10 वाले डिजिट्स को जमा करेंगे जो कि है 9 और 0।